इन इंडिया, ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। मैं क्या बताऊँ, खेलूँगा मैं, जहर खाऊंगा, मैं तैयार हूँ, दिया जाए मैं कहूँगा जिम्मेवारी ही है। The UNHCRF didn't do anything. They should give us refugee cards. पिछले 15 साल से ऐसा रूफी रहता हूँ लाजपत नगर में, और यहाँ पे ये सब जो देख रहे हो ये सब हालात से भाग के यहाँ पे आया हुआ है। काफ़ी टाइम पहले से हम अपना हक के लिए यूएन के पास पहुँचे थे, और हमें काफ़ी साल यहाँ पे रोक के, बिना वजह रोक के, जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है 15 साल, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल। बस हमारा यही चाहते हैं काम है अंडर प्रोसेस। बाकी देशों में 3 साल से ज़्यादा अंडर प्रोसेस रखने का बात नहीं है। हम इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पुलिस, इंडियन पब्लिक से खुश हैं। हमें डिमांड है हमारा सिर्फ ये यूएन से, यही है जो हमारा पेपर फाइल्स आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है, हमें क्यों यहाँ पे बिना वजह रुकवा रहा है। यहाँ पे पॉपुलेशन खुद ज़्यादा है, लोग फुटपाथ में सो रहे हैं, इससे पहले जो हमारा घर अभी रह रहे हैं जहाँ पर सही है, मतलब कल परसों तो हालात हमारा भी वैसे ही है, उससे बेहतर अभी से हमने अपना जगह यहाँ बनाया कि हमारे लिए कानूनी तौर पर इससे जानकारी कार्रवाई होना चाहिए कि कब तक हमें हमारे बात को दबोचना चाहिए। जैसे ये सब जो देख रहे हो आप, ये सब कभी एक फैमिली ना एक फैमिली का है, किसी का बाप मरी है, किसी का भाई मरी है, किसी का सिस्टर, किसी के माँ, किसी का किसी हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो क्या है। हम पहले से जो मांग कर रहे हैं हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, और ये हमारी आवाज़ दबोचना चाह रहा है। इनका प्रोसीजर है जो हमें थर्ड कंट्री में आफ्टर 3 ईयर्स के बाद भेजें, मगर लॉन्ग टाइम तक यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ पे ना पढ़ाई की सुविधाएँ सही है, ना काम सही है, क्योंकि हर चीज़ का अगर एक साइड ले लें एक साइड रह जाते हैं, हमसे यहाँ एक साइड लेते हैं एक साइड रह जाते हैं, सब रेंट के घरों में रह रहे हैं, और हालात काफ़ी बिगड़ी हुए हैं यहाँ पर, हमारा अंदर से टूटे हुए हैं। और तो आप यहाँ पर रह रहे हैं 15 साल, आप क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? माँ नहीं, जो इनका जॉब है, जो इनका प्रोसीजर है उसी को फॉलो करें, ये वो भी नहीं कर रहा है। अब हमारे साथ जो गलत हो रहा है, अभी धीरे धीरे इसका काले पर्दे हमारे चेहरे से हट गए, सब ने यूएन को पहचानने लगे कि किस चीज़ के लिए। अगर आप बाहर देश यूरोप में जाते, आपको फर्स्ट ज़रूरी है आपको यूएन के पास, अगर नागरिकता चाहते हो यूएन के पास जाते हो, फिर ये कहता है आपको कुछ टाइम यहाँ पर मोहलत है, उसके बाद आपको सिटीजनशिप यहाँ पर मिलती है, और हमें यहाँ के लिए रखवा है, ना हम यहाँ का हुए ना कहीं आगे का, मगर हमें जो प्रोसीजर यूएन का है उसी को फॉलो कर, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इसको प्राइवेट ऑफिस बनाया हुआ है। अभी देख लीजिए काफ़ी यहाँ पे सोसाइटी वाले लोग बेचारे हमसे शायद तो बोल तो नहीं रहे हैं बेचारे, सबको पता है कि हमारा देश का हालात ख़राब है, हमसे क्या बोले, हमारे जगह सब छीनने गए। कल रात के बम ब्लास्ट में वो फैमिली का 7 बंदे मर गई है, वो पता है मतलब ये बात, पूरा सुबह तक रो रहा था। हमने कैसे मुश्किलें से चार का लाशें मिलाए, तीन का लाश नहीं मिला, महिला की लाश नहीं मिली, हालात इस तरीके से बुरी हो रहा है। जो हम अपना आवाज़ उठाएं कहाँ उठाएं, गले बैठे हुए हैं, सबका मीडिया के सामने पाड़ के बोल रहे हैं। बाकी जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो ये देश है जो मान कर रहा है अफगानी नागरिकता को, जो बोल रहे हैं कि 20,000 नागरिकता 30,000 नागरिकता ये कंट्री, 20,000 नागरिकता ये कंट्री मांग रहे हैं, तो ये किस लिए बैठा हुआ है? हम ये हमारे यूएन का, अगर आप मतलब समझोगे यूएन प्रोडक्ट जो अपना हक के लिए लड़ने वाले बंदों को बुलाना चाहता है, यूएन ऐसे बंदों को, जब से हम आ रहे हैं हमें इग्नोर किया जाता है, बस बात किया जाता है और हमें इग्नोर किया जाता है। हम अंदर से काफ़ी हालात बुरे हैं, हमें लूँगा मैं जहर खाऊँगा, मैं तैयार हूँ, दिया जाए मैं कहूँगा जिम्मेवारी ही है। It's, they are giving decision like Taliban. He said we cannot do nothing for you. Last message also, he said refugee status, it's not your right. We cannot give you clothes. And also, they didn't give annex. Just the last messages like Taliban regime. We were going a big, large of Afghan refugee. We come here just for to ask our basic rights, but this stupid people say it's not your right. We have a 3 demand from this office, and the first demand was at the situation of Afghanistan. There is no way to go back in Afghanistan for never for all Afghan people in all the world. But we need refugee status or long-term visa. If we have a refugee status, then India's government will give us long-term visa. They say it's not your right. A second, if it's not our right to stay in India,
but just gave me a reference letter for another embassies while going from India from another countries, because now all the donor countries like Canada, Australia, they say for Afghan refugees they say welcome. They say it's also not your right, we cannot give you the letter. It's my right. The second one, protection. We need protection from UNHCR and India government. There is no any protection. We don't have any support, financial support. We don't have any educated support, education support, health support. Nobody here living without. All our children is without future here. But can, it's not our right. So much problem, health problem, school problem, university problem, economic problem, all these problems we have. I wish UNHCR help us, and thinking about refugees people here, especially Afghani people. You know Afghanistan situation, all that. Help us to go into third country, and we should study, we should improve in our life. Our future is so important for us. प्रॉब्लम बहुत है, मालूम है ये मानता नहीं। देखो अभी खुद देखो कि ये हालत, देखो ये बच्चों का, ये लेडीज का, रात एक हफ्ते कोई जवाब नहीं देंगे। ये प्रॉब्लम ये फौजी ऑफिस सबसे पहले मानता नहीं कि हम लोग इंसान हो, दूसरा बात छोड़ दे, जब वो मानते हैं कि ये लोग इंसान है बाद में बात करेंगे, मगर वो मानता नहीं है हम लोग इंसान हैं। So by the way, in these 5 years, I'm not accepted as a refugee. We didn't got our refugee card. So by the way, the UNHCR didn't attention for us. So in here we have job problems, education problems, and also the work experience problems. And by the way, we are refugees, but it is not the reason that we should stop the education, we should stop the learning. We have to improve. All the Afghan people should improve in here. They should give us refugee cards, because there is lots of people, I know them, that they are around 20 years. It is so many. It is alive. 20 years alive in here. They stay here, but they are near. The UNHCR office didn't do anything. ऐसा नहीं करते कि मतलब मारपीट करेंगे या कुछ और करेंगे। 5 दिन से मैं खुद यहाँ पे हूँ, घर नहीं गई हूँ, मेरा गला बैठ गई है, तो मैं अपने लोगों के लिए हेल्प करती हूँ यहाँ पे। मेरा कार्ड मिला है ठीक है, लेकिन जिसको नहीं मिला है, जिसका बिल्कुल क्लोज है, अभी तक खुले नहीं है, तो आखिर वो भी मेरे खून है, मेरे अफगान है, मेरे मुल्क का है, तो मैं तो नहीं देख सकती हूँ इस हालत को। ख़राब हो जाएगा, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो गया। सर मैं नहीं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और सारे जवान लोग यहाँ पे विचार बार बार, ये हमारे रिक्वेस्ट है यूनिसेफ के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए, सारे जहाँ लोग के लिए, प्लीज़ वी कांट लिव इन इंडिया। ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए, मैं क्या बताऊँ। 70 years old हो, लेकिन इस उम्र में मैं बहुत सारे स्ट्रेस जो मेरे फैमिली में है उसे लिए सोच करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पढ़ाई को सुध करूँ, मेरे अपने I can't get my head of my high education in here. It's very difficult to me. I can't live in here. सब लोग का ड्रीम खराब हो गया, सब लोग बर्बाद हो गए यहाँ पर। तो हमारे लास्ट रिक्वेस्ट यूनिसेफ से, यूनाइटेड नेशन से, ये प्लीज रिसेटल अस एंड तीसरी कंट्री वी कैन receive to our dream.